नमस्कार, आप न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। क्या आप इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं? क्या आपको याद है कि आपने लास्ट टाइम कब अपना पासवर्ड चेंज किया था? क्या आपको ये याद है कि लास्ट टाइम कब आप बैंक गए थे? या फिर क्या आपको ये याद है कि कहीं आपने नेट और मोबाइल बैंकिंग के दौरान फ्री वाईफाई यूज किया था या नहीं? अगर इन सब सवालों के जवाब नहीं में है तो आपको हमारी ये रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिसका खामियाजा आपको बड़ी कीमत देकर चुकाना पड़ सकता है। आज हम आपको इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करने के दौरान की गई कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे बचकर आप हैकर से अपना पैसा बचा सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी शख्स के बैंक अकाउंट से पैसों की ट्रांजेक्शन हो गई है जो उसने की भी नहीं है। दरअसल यही वो फ्रॉड है जो साइबर ठग ऑनलाइन कर देते हैं, क्योंकि पैसों के डिजिटल लेनदेन पर ठगों की पैनी नजर रहती है। साइबर हैकर्स आपकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से लालच या फेक मैसेज भेजकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। इसलिए घर बैठे आराम फरमाते हुए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का यूज करने के दौरान भी इसके खतरे कम नहीं हैं। तो चलिए हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में साइबर क्रिमिनल्स के उस मायाजाल के बारे में बताते हैं जो वो आपको फंसाने के लिए डिजिटल वर्ल्ड में बिछाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साइबर ठग आपके मोबाइल पर अनजान नंबर से मैसेज भेजकर आपकी बैंकिंग डिटेल मांगते हैं। बैंक की फर्जी वेबसाइट से आपको फ्रॉड मेल भेजते हैं। ईमेल के लिंक पर क्लिक करा के आपके डिटेल मांगते हैं। आपके फोन पर किसी मैसेज का लिंक भेजते हैं। भेजे गए लिंक पर क्लिक करके डिटेल भरने को कहते हैं। आपको फोन करके खुद को बैंक का कर्मचारी बताते हैं। मेल या मैसेज में आपकी नेट बैंकिंग बंद होने की जानकारी देते हैं। नेट बैंकिंग को चालू रखने के लिए बैंक का फर्जी फॉर्म भेजते हैं। ये वो शातिराना चाले हैं जिसको इस्तेमाल करके हर साल साइबर क्रिमिनल्स हजारों लोगों को अपना शिकार बनाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर देते हैं। इसलिए आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग करते वक्त बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक समेत तमाम सरकारी और प्राइवेट बैंक समय समय पर लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके बताते रहते हैं। RBI और बैंक से मिली इन जानकारियों को फॉलो करके आप अपने आप को डिजिटल धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग करते वक्त आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि बैंकिंग के दौरान यूज किया जाने वाला लैपटॉप या कंप्यूटर आपका अपना हो, ना कि किसी और का। गलती से भी आप किसी दूसरे शख्स या साइबर कैफे के कंप्यूटर का यूज ना करें, क्योंकि ऐसा करने से कई बार आपकी बैंकिंग डिटेल्स कंप्यूटर में सेव हो जाती है, जिसका इस्तेमाल करके ठग आपके पैसों पर हाथ साफ कर सकते हैं। इन सब के अलावा भी कई ऐसे टिप्स हैं जो आपको साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अपने मोबाइल नंबर या नाम को नेट बैंकिंग का पासवर्ड ना बनाएं। अपना ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड रेगुलर बदलते रहें। नेट बैंकिंग का पासवर्ड बेहद स्ट्रॉन्ग और लंबा बनाएं। पासवर्ड में नंबर स्पेशल करेक्टर जरूर शामिल करें। अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग पासवर्ड रखें। बैंक अकाउंट नंबर यूजर नेम किसी को ना बताएं। अपना पासवर्ड OTP या ATM का पिन किसी से शेयर ना करें। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। फ्री वाईफाई के दौरान किसी तरह की ऑनलाइन पेमेंट ना करें, क्योंकि अधिकतर फ्री वाईफाई सिक्योर नहीं होते। इन फ्री वाईफाई को हैकर्स आसानी से हैक कर लेते हैं। नेट बैंकिंग के बाद फोन और लैपटॉप से लॉग आउट जरूर करें। ब्राउजिंग हिस्ट्री और कैश डाटा को हमेशा क्लियर रखें। इसके साथ ही अपनी नेट बैंकिंग की भी कोई डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। आपकी बैंकिंग डिटेल जानने के लिए अगर कोई बैंक कर्मचारी बनकर आपको फोन, ईमेल या मैसेज करता है तो कभी भी उसे जानकारी ना दें, क्योंकि बैंक कभी भी फोन, मैसेज या ईमेल से आपकी बैंकिंग डिटेल नहीं मांगते। इस ईमेल या मैसेज के बारे में अपने बैंक को जरूर बताएं। दरअसल ये वो टिप्स हैं जिनको इग्नोर करके आम तौर पर लोग साइबर फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। तो चलते चलते अब कुछ और टिप्स भी जान लीजिए जिससे आप अपनी नेट बैंकिंग को सेफ रख सकते हैं। ईमेल पर आए किसी भी अनसिक्योर लिंक को ओपन ना करें। नेट बैंकिंग के लिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लॉगिन करें।
वेबसाइट लॉगिन के दौरान हमेशा URL में S चेक करें। वेबसाइट के URL की शुरुआत HTTPS होनी चाहिए। इसमें S ही वेबसाइट के सिक्योर होने का सबूत है। नेट बैंकिंग के लिए बैंक का ऑफिशियल ऐप ही यूज करें। ऐप चेक करने के लिए ऐप के डेवलपर का नाम जरूर चेक करें। इंटरनेट बैंकिंग यूज करते वक्त हमेशा इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि साइबर ठग इन तरीकों के जरिए आपकी नेट बैंकिंग या फोन बैंकिंग को ट्रैक कर रहे हों, जिसकी जानकारी आपको भी ना हो। एक बात और याद रखें कि कई बार हैकर्स आपको अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए ईमेल लिंक भेजकर लॉगिन करने के लिए कहते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बैंक कभी भी ऐसे मेल नहीं भेजते। ये वो टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने पैसों को हैकर से महफूज रख सकते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।